कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पूरी दुनिया जूझ रही है, इससे निकलने की कोशिश कर रही है। भारत भी इससे निकलने की लगातार प्रयास कर रहा है, मगर अभी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं कि कैसे इससे बाहर निकला जा सकेगा, कैसे इससे बचाव किया जा सकेगा। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है सरकार की, वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो है ही, अपने नागरिकों को दिक्कत ना आए, अपने नागरिकों के लिए समस्याएं खड़ी ना हो, ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं गरीबों के लिए की हैं। राशन की व्यवस्थाएं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि कैसे राशन फ्री मिलेगा, 1,000 रुपये आपके खाते में कैसे मिलेंगे, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो लगातार आपको इस तरह की सुविधाओं से संबंधित अपडेट जानकारियां मिलेंगी। लेकिन अब सरकार ने जो दो निर्णय लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक क्या है कि कुलियों को 1,000 रुपये देना, दूसरा क्या है चौकीदारों को 1,000 रुपये देना। अभी तक सरकार ने जो व्यवस्था की थी वो फुटपाथ पे फड़ लगाने वाले और गरीब जो थे, बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग थे जो ठेले ढकेले लगाते थे उनको 1,000 रुपये देने का निर्णय लिया था और बहुत लोगों के खाते में आने भी लगे। लेकिन अब जो है चौकीदार को और रेलवे स्टेशन पर कुली को, उनको दो को व्यवस्था दी। अब आप सभी को पता है कि ट्रेनें एकदम से बंद हैं, आवाजाही है नहीं, यात्री आ नहीं रहे, ऐसे में कुली के सामने तो बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। उन्हें आय का साधन सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन पर माल ढोकर, सामान ढोकर ही, यही एक आय का साधन था। तो ऐसे में अगर 1,000 रुपये कुली को मिलता है तो मुझे लगता है कि उन्हें मदद मिलेगी। चौकीदार को अगर 1,000 रुपये मिलता तो उन्हें मदद मिलेगी। तो ये सरकार का निर्णय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा है। साथियों, मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गरीब तबके के लोगों को, जिनको मैंने कुली के लिए बोला है या गरीब चौकीदारों के लिए बोला है, उन तक भी पहुँचाने की कोशिश करिए, जिससे उन्हें मदद मिल सके और जानकारी अपडेट